अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हैदर और हैदर हब में खुश आमदी। आज जो वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूं वो बहुत ही मज़ेदार है और उसके अंदर हम बहुत सी चीज़ें सीखने वाले हैं, टेक्निकल चीज़ें सीखने वाले हैं, वो है व्हाट्सएप के मतलब। जी हाँ, व्हाट्सएप आज हर किसी के पास है, पर व्हाट्सएप क्या क्या कर सकती है, उसमें कौन से हिडन और ज़बरदस्त फीचर्स हैं, ये आपको नहीं पता। और अगर पता है तो हो सकता है कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको नहीं पता, उनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा और करके दिखाऊंगा कि व्हाट्सएप से और मज़ीद क्या फीचर्स हम हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि व्हाट्सएप जो है, अगर हमने कंप्यूटर पे चलानी है, अगर हमारे पास मोबाइल नहीं है तो हम कंप्यूटर पे व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं तो वो कैसे चलाएं, तो ये भी हम देख लेंगे कि कंप्यूटर पे व्हाट्सएप कैसे चलाई जा सकती है। तो कंप्यूटर पे व्हाट्सएप चलाने के लिए आपके पास दो सॉफ्टवेयर, दोनों में से एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एक है गेम लूप। गेम लूप सभी को फेमिलियर है, पबजी के लिए यूज़ होता है गेम लूप, उसके ज़रिए से लोग पबजी खेलते हैं, तो वो व्हाट्सएप का फीचर्स भी प्रोवाइड कर रही है। तो आप उसके अंदर से, उसके स्टोर से व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हैं, और जिस तरह आप मोबाइल में एंड्रॉयड में प्ले स्टोर से व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, वैसे उसका एक स्टोर है, वहाँ से आपको व्हाट्सएप मिल जाएगी। आप इंस्टॉल करेंगे, देन नंबर वगैरह देंगे, वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके मोबाइल पे, और वही कोड जो है आप ऊपर देंगे व्हाट्सएप के, आपकी व्हाट्सएप चल जाएगी। दूसरा जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है ब्लू स्टैक। ब्लू स्टैक में भी सेम फीचर्स हैं। ब्लू स्टैक को मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा एक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है जो पीसी के ऊपर चल जाता है, तो इसको हम एंड्रॉयड एम्यूलेटर के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लू स्टैक 4 अभी का लेटेस्ट वर्जन जो है वो चल रहा है। व्हाट्सएप के फीचर्स की बात हुई है तो व्हाट्सएप और क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, अगर ओरिजिनल व्हाट्सएप आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे कुछ फीचर्स। अब चूंकि एक बहुत सी कस्टम व्हाट्सएप भी आ गई हैं, जैसे GB व्हाट्सएप है, प्लस व्हाट्सएप है, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे हिडन फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल कुछ फीचर्स हैं कि अगर आप कोई भी मैसेज डिलीट करते हैं, अगर आप कोई आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो बंदा कोई मैसेज आपको सेंड करके डिलीट कर देता है, तो व्हाट्सएप प्लस ये फीचर देती है कि आपके लिए वो जो है मैसेज वो डिलीट नहीं होगा, वो आपको फिर भी शो हो रहा होगा। और इन चीज़ों को कैसे एनेबल करते हैं ये भी मैं दिखाऊंगा। इसी तरह अगर किसी ने स्टेटस अपना डिलीट कर दिया है पर उसका डिलीट किया हुआ स्टेटस भी आपको शो होगा। इसी तरह से अगर आपकी कोई चैट प्राइवेट है, आप उसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप से आप उसको प्राइवेट कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप का आइकन चेंज कर सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आइकन चेंज कर सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप की बेल्स चेंज कर सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप पे डबल सिक्योरिटी कोड लगा सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं व्हाट्सएप पे। कस्टम व्हाट्सएप कौन सी होती है, जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं होती, आप दूसरे थर्ड पार्टी एक वेबसाइट्स के जरिए से आप उन्हें डाउनलोड करते हैं। तो GB व्हाट्सएप या व्हाट्सएप प्लस, ये दो ऐसे नाम हैं जो हमें मिलते हैं फेमिलियर, इनको यूज़ करके हम काफ़ी थीम वगैरह भी व्हाट्सएप के यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप कहते हैं कि हम इससे बेहतर है कि हम फेक ही यूज़ कर लें, तो एक्चुअली में सिर्फ वो सॉफ्टवेयर फेक है पर सर्वर जो है वो असली व्हाट्सएप का ही यूज़ कर रहा है। यानी कि आपकी चैट्स वगैरह, अगर आप कहें कि जी नहीं वो किसी और के पास हमारी चैट चले जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी चैट, आपने पढ़ा होगा कि एंड टू एंड इंसक्रिप्टेड है। इंसक्रिप्टेड का क्या मतलब होता है कि आपकी चैट जो है, जो व्हाट्सएप का ओनर है वो भी नहीं देख सकता, उसकी कोडिंग हो चुकी है, ठीक है, वो 001 में और इंसक्रिप्ट हो गई है। एक ऐसा कोड है जो कि ओनर भी नहीं इसको देख सकता। इस कोड को ब्रेक करने के लिए कई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, इसीलिए कोई किसी की भी चैट जो है कोई भी इंसान नहीं देख सकता। इवन दैट कि जिसने व्हाट्सएप बनाई है वो भी नहीं देख सकता। सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक है जो GB व्हाट्सएप या प्लस व्हाट्सएप का, आपकी जो चैट है उसका बैकअप जो है वो आपकी जीमेल में या आपने जो आईडी व्हाट्सएप पे दी होती है वो बैकअप बिल्कुल स्टोर नहीं होता। वो आपसे कहता है, आप उसे नेवर पे क्लिक करेंगे देन ही वो आगे जाएगा, वो डायरेक्ट आपकी जो ओरिजिनल व्हाट्सएप है, ओरिजिनल व्हाट्सएप ही आपको आपकी आईडी के साथ लिंक करती है। आप करना भी चाहें तो आपके फ़ोन में बैकअप जाता है, या आपके फ़ोन में अगर मेमोरी कार्ड है तो मेमोरी कार्ड में बैकअप जाता है। तो यही एक नुकसान है, और ओरिजिनल व्हाट्सएप का यही एक फ़ायदा है कि आपका सारा बैकअप जो है वो जीमेल पे चले आता है। ये देखिए, हमारे पास दो व्हाट्सएप हैं। ये व्हाट्सएप वो है जो हमें प्ले स्टोर से मिल जाती है। ये व्हाट्सएप मैंने की हुई है, ये प्ले स्टोर से, आपके मोबाइल प्ले स्टोर से मिल जाती है। मैंने पहले से इसमें इंस्टॉल की हुई है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल व्हाट्सएप है जिस तरह की आपकी व्हाट्सएप होती है। इसमें कुछ ही फीचर्स हैं, जिस तरह इसमें आप पहले से डार्क मोड है,
अगर आपने डार्क मोड ऑन करना है तो आप इसको डार्क मोड को ऑन कर लेते हैं, तो जो काफ़ी कूल है तो ये ऑन हो गया। अब इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो मेरा बैकअप है यहाँ पे चैट बैकअप है जो मेरा, वो मेरी आईडी पे होगा। जैसे कि अभी मैंने चूज़ नहीं किया हुआ बैकअप टू गूगल ड्राइव नेवर पे क्लिक किया हुआ है फॉर नाउ, तो इसको हम जो है इसको मैं कहता हूँ कि वीकली बेसिस पे बैकअप कर दे इस आईडी पे। तो अब जो है ये मेरा जितने भी चैट्स हैं वो इस आईडी पे बैकअप हो जाया करेंगी। ओरिजिनल व्हाट्सएप का फीचर है, तो ये है ओरिजिनल हमारी व्हाट्सएप जो है हमें प्ले स्टोर से मिलती है। अब आ जाते हैं कस्टम व्हाट्सएप पे, ये है हमारी कस्टम व्हाट्सएप। तो इसको भी मैं आपको दूसरी जगह दिखा देता हूँ। अब इसका जो आइकन है वो बिल्कुल ब्लू है, तो इस आइकन का कलर आप ग्रीन रेड वट एवर यू वांट आप कर सकते हैं। तो ये मैंने चैट ओपन कर लिया है, तो ये हमारे पास ग्रुप्स का फीचर यहाँ पे ओपन हो जाता है, एक जो नया है जो ये वाला व्हाट्सएप प्लस हमें दे रही है। ये व्हाट्सएप प्लस का ओवरव्यू है, इस यहाँ से आपको वो थोड़ा सा इंटरफेस अलग नज़र आ रहा है ओरिजिनल व्हाट्सएप से। तो इसमें यह है कि यहाँ से आप एयरप्लेन मोड ऑन कर सकते हैं, जिस तरह आपका फ़ोन पे कॉल्स वगैरह तो आएंगी बट आपको व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज रिसीव नहीं होगा। तो आप ये रात के वक्त ऑफ करके सो सकते हैं कि अगर आपको ग्रुप के मैसेजेस आने हैं या जो भी है आप उनके नोटिफिकेशन को म्यूट नहीं करना चाह रहे, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करें तो आप जो हैं ऑफलाइन हो जाएंगे। इसी को अगेन क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन हो जाएंगे। इसी तरह ये डार्क मोड है, आपके पास फीचर अवेलेबल है डार्क मोड है, अगर एक्टिवेट करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। डायरेक्ट एक बटन हमें मिल गया है, ये सर्च बार है, यहाँ से आप मैसेजेस सर्च कर सकते हैं जो भी मैसेज आपने सर्च करना। उसके बाद ये मज़ीद सेटिंग है, अगर इस व्हाट्सएप की सेटिंग में आए तो हमें दिखता वैसा ही है। बट अब ये देखें, अगर हम यहाँ पर चैट का बैकअप जो है अपनी आई डी पर लगाना चाहें तो वो नहीं होगा, चैट बैकअप हमारा वो नहीं होगा। वो पूछ भी नहीं रहा कि आपने आईडी किस आईडी पे लगाना है या इस तरह की कोई भी बात वो नहीं पूछ रहा। तो ये एक ड्रॉबैक है सबसे बड़ा इस व्हाट्सएप का। अगर आप बैकअप जो है अपनी स्टोरेज में करना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा, बट जो आपकी आईडी पे वो बैकअप नहीं जाएगा कि ये ओरिजिनल व्हाट्सएप नहीं है या ये ठीक नहीं है, बल्कि ये ओरिजिनल व्हाट्सएप ही है, सिर्फ उसको जो है डेवलपर्स ने इसके मोड को चेंज किया और फैसिलिटीज़ भी आपको दी हैं। अब यहाँ पे जो जीबी व्हाट्सएप है सॉरी या प्लस व्हाट्सएप है, इसमें जो फीचर्स हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा जो मेन है। अब जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं प्लस सेटिंग में आते हैं तो हमारे पास डिफरेंट सेटिंग आ जाती है। पहली है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग। अगर यहाँ पर आप फ्रीज़ लास्ट सीन ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे अब आपका लास्ट सीन जो है वो फ्रीज़ हो चुका है, किसी को ये नज़र नहीं आएगा कि आप लास्ट सीन जो है, हर किसी को यही आएगा कि आखिर ये इस वक्त ऑनलाइन हुआ था, जैसे कि अभी टाइम हुआ है 1:23 और मंडे है, तो अभी के लिए ये टाइम फ्रीज़ हो चुका है, दूसरों को सिर्फ यही चीज़ नज़र आएगी। उसके बाद जो है डिसेबल फॉरवर्ड, अगर मैं फॉरवर्ड मैसेज करूँगा किसी को भी तो वहाँ पर लिखा आ जाता है कि ये मैसेज जो है फॉरवर्ड किया गया है, फॉरवर्ड किया हुआ आपको आया है के फॉरवर्ड की ऑप्शन क्लिक किया है, पर इसको ऑन रखेंगे तो उसको ये टैग नहीं जाएगा। इसी तरह एंटी डिलीट मैसेजेस का ऑप्शन बहुत कमाल ऑप्शन है, जैसा कि कोई भी मैसेज आपको सेंड करके गलती से डिलीट कर देता है या वो गुस्से में होता है वो जल्दी से आपको मैसेज सेंड करता है तो वो आप डिलीट होता है, तो ये फीचर्स जो है फीचर को ऑन अगर आप कर देते हैं तो वो मैसेज डिलीट भी करेगा तो भी आपको शो हो रहा होगा। उसके बाद शो ब्लू टिक्स आफ्टर रिप्लाई, इसको मैं ऑन रखता हूँ कि अगर आप इस फीचर को ऑन कर देते हैं तो इसकी मदद से कि जितने भी आपने मैसेजेस किए हैं या उस बंदे ने किए हैं, किसी ने भी आपको मैसेजेस किए हैं, तो जब तक आप उस मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसको ये नहीं लगेगा कि आपने वो सीन किया, हालांकि आप सीन कर चुके होंगे। तो इससे ये एक जो है परेशानी ख़त्म हो जाती है कि यार वो तू सीन भी कर रहा है तो फिर भी मैंने रिप्लाई नहीं किया यार, तो ये एक बड़ा कूल फीचर है। उसके बाद हाइड एंड व्यू स्टेटस है, डोंट टेल कॉन्टैक्ट्स दैट यू हैव व्यूड देयर स्टेटस, तो ये भी बड़ा अच्छा फीचर है। अगर आप किसी के स्टेटस पे जो है व्यू करेंगे तो नीचे डबल टिक पे क्लिक कर देंगे तो फिर उसको पता चलेगा कि हाँ जी इसने मेरा स्टेटस जो है वो व्यू कर लिया। उसके बाद एंटी डिलीट स्टेटस, कोई स्टेटस डिलीट भी कर देता है थोड़ी देर के लिए, लगाता है किसी को दिखाने के लिए, जब वो देख देता है फिर वो डिलीट कर लेता है, पर वो आपके लिए डिलीट नहीं होगा, इसीलिए इस फीचर को भी हम ऑन रखेंगे।
नेक्स्ट जो है व्हाट्सएप लॉक, अगर आपने इसको लॉक लगाना है तो आपको पता है किसी मोबाइल में ऑप्शन है किसी के लिए लॉक ऐप्स करते हैं, तो इसके लिए कोई ऐप करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर से पहले से ये फीचर मौजूद है अगर आपने अपनी व्हाट्सएप को लॉक लगाना है। अगर इस फीचर को ऑन करेंगे वो पूछेगा पैटर्न लॉक लगाना है, पिन लॉक लगाना है, पिन लॉक इज़ वेरी सिक्योर लॉक, सो पिन लॉक मैं प्रेफर करूँगा, अगर आप ये लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। पैटर्न जो आप, अगर आपके पास कोई डिफ़िकल्ट पैटर्न है तो आप वो लगा सकते हैं, पिन लगा सकते हैं बढ़ा, तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद चेंज पासवर्ड, अगर आपने कोई पासवर्ड रखना है इसके लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद चेंज पैटर्न, पैटर्न चेंज करना है, रिकवरी क्वेश्चन, आप यहाँ पे रिकवरी क्वेश्चन दे दें कि आपके अब्बू का नाम क्या है, या पैदा कहाँ पे हुए थे, या फेवरेट नेम क्या है, फेवरेट गर्ल नेम क्या है, या कुछ भी ऐसा। तो जैसे मैं कह देता हूँ मी, तो मैं इसका आंसर दे देता हूँ AHM, ठीक है। तो ये मैंने एक रिकवरी क्वेश्चन और आंसर दे दिया है। अब अगर पासवर्ड भूल भी जाऊंगा तो यही बात मुझसे पूछेगा और पासवर्ड हम रीसेट कर सकेंगे। उसके बाद आपके पास चेंज लॉक स्क्रीन या पैटर्न वॉलपेपर, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। और मेक पैटर्न इनविजिबल, कोई सर पे खड़ा है फिर उसको लाइनें शो होती हैं पैटर्न की, तो वो इसको ऑन कर देंगे तो वो लाइनें शो नहीं होंगी, ठीक है। तो ये फीचर था इसका जो मेन मैंने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद जो इसका फीचर आता है, माय वेरी फेवरेट फीचर जो है वो है, अगर आप इस व्हाट्सएप के एरिया में जाएं तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे वो एक आपको पूछता है कि क्या आपने लॉक रखना है। मैं इसको कह देता हूँ मैं पिन रखना है, तो यहाँ पे मैं पिन कोड रख देता हूँ 1122। अब मैंने यहाँ पे कोड रख दिया है, अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एक सीक्रेट रूम ओपन हो जाएगा, एक सीक्रेट व्हाट्सएप समझ लें कि ओपन हो जाएगी, वही व्हाट्सएप होगी। आप यही समझें कि एक सीक्रेट जो है कन्वर्सेशन ग्रुप या कन्वर्सेशन चैट ओपन होगी है। यहाँ पे आप कोई भी चैट इंसर्ट कर सकते हैं कि जो आप सिर्फ चाहते हैं कि मैं देखूँ, कोई और ना देखे, किसी को वो कन्वर्सेशन वाला कॉन्टैक्ट जो है वो नज़र नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट है, इसको मैं प्रेस करके रखता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शन यहाँ पे ये हाइड का बटन है, इस हाइट पे क्लिक कर दूंगा। अब वो कोड पूछेगा, मैं कहता हूँ ये मेरा कोड है, अब वो देखें चैट जो है वो वहाँ से गायब हो गई है। अब इसी चैट को मैंने, अब उसको रिप्लाई करना है या उसको देखना है तो मैं कोड दिया और यहाँ पे मेरी चैट अवेलेबल है जो भी मैंने लिखी है, ठीक है। अब बैक आ सकते हैं तो देखें हमारी चैट बिल्कुल, ये किसी भी कीमत पर दूसरे बंदे को जो है ये शो नहीं होगी जब तक कि उसके पास आपका पासवर्ड ना हो। वो रिकवर भी नहीं कर सकता क्योंकि सिक्योरिटी का क्वेश्चन आपके पास है। तो ये बड़ी ही सिक्योर और बहुत ही कमाल का फीचर है, बहुत ही कमाल का फीचर है। तो दोबारा से हम इसको दे, अगर आपने इसको वापस लाना है, अनहाइड करना है, तो आप इस पर क्लिक करें, चैट के ऊपर क्लिक करके रखें, टैप करके रखें अपने उंगली से, मेरे पास माउस है मैं माउस से क्लिक करके रखा हूँ, अगर आपके पास मतलब टच मोबाइल है तो आप उंगली से क्लिक करके रखें और ये अनहाइड पे क्लिक कर लें, ठीक है। अब दोबारा से वो कोड पूछेगा तो चैट यहाँ से वापस आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे मेन फीचर्स मेरे सबसे जो ज़बरदस्त इस व्हाट्सएप के थे। इसके अलावा और डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। प्लस सेटिंग पे आ जाते हैं हम दोबारा से, और फिर प्राइवेसी सेटिंग हो गया, एड ऑन्स पे क्लिक करते हैं। एड ऑन्स में है स्टिकर मेकर और स्टिकर पैक्स, अगर इसके अपने आपने करने हैं, और वॉलपेपर्स प्लस है। अच्छा, इस व्हाट्सएप के थीम्स को अगर आपने यूज़ करना है तो ये ज़रूरी है कि आप वॉलपेपर प्लस को जो है वो डाउनलोड कर लें, तो इसलिए मैं वॉलपेपर प्लस को डाउनलोड करने वाला हूँ और फिर इसको हम इंस्टॉल कर देंगे ताकि जो थीम जो है उसको इंस्टॉल करने में परेशानी ना आए। क्योंकि थीम अगर इंस्टॉल हो भी गए, डायरेक्ट डाउनलोड पर क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, तो वो उनका जो वॉलपेपर है वो हमें नज़र नहीं आएगा अगर थीम जो है वो डाउनलोड हो भी गए। तो ये फाइल डाउनलोड हो रही है, तब तक मैं आपको बाकी फीचर्स से जो है वो बता देता हूँ। 58 MB की है फाइल, 22 सेकंड है, चलें इस पर थोड़ा सा टाइम ले ही लेते हैं। जब आप इसको ओके कर लेंगे देन ही तभी आपके जो इस व्हाट्सएप की थीम है और उस थीम के जो बैकग्राउंड वॉलपेपर हैं देन ऑटोमेटिकली इसी व्हाट्सएप के अंदर या कन्वर्सेशन के अंदर शो होंगे अगर आपने ये वाली फ़ाइल इंस्टॉल की होगी। अगर हमने इंस्टॉल कर लिया, अब हम बैक पे जाते हैं, ठीक है। तो बैक आ जाते हैं तो एडोन्स में हमने क्लिक
क्लिक करके, ठीक है। अगर आप स्टिकर्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी फीचर है। मैं डाउनलोड स्टिकर पैक पे क्लिक कर लेता हूँ। आप इसमें ऐड ऑन्स कर सकते हैं, अपडेट्स वगैरह अगर आपने चेक करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। अपडेट के बारे में ऑटोमेटिकली मैसेज आता है, उस मैसेज से भी आपने घबराना नहीं, अपडेट कर लें आप आसानी से। उसके बाद थीम ऑप्शन है जो मेरा बड़ा फेवरेट ऑप्शन है। आप डाउनलोड थीम पे क्लिक करें, थीम प्रिपेयर कर रहा है, सर्चिंग करेगा और फिर आपको डिफरेंट थीम दिखाएगा। आप यहाँ से अपने सर्च भी कर सकते हैं, आप लविंग थीम आपको अच्छा लगता है, डार्क थीम अच्छा लगता है, या जिस तरह की भी स्टिकर हो सके हो चुके मैंने क्लिक किया। आप इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, स्टिकर पैक को डन कर लिया, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप के अंदर जो है इंक्लूड हो जाते हैं। अच्छा, ये व्हाट्सएप चूँकि मैंने ब्लू स्टैक में किया तो किसी वजह से मेरा जो है वो थीम वाला फंक्शन शायद काम नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इसको मैं मोबाइल से आपको जो है वो करके दिखा दूँगा थीम वाला फंक्शन जो है। तो उसके अलावा जो व्हाट्सएप की डिफरेंट दूसरे जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सल, अगर आप अपनी मर्ज़ी से कलर्स वगैरह जो है चेंज करना चाहते हैं वो आप इससे कर सकते हैं। बहरहाल इन चीज़ों में मैं अभी नहीं आ रहा। स्टाइल एंड फील एंड लुक पे आ जाते हैं। आप फेसबुक का स्टाइल रखना चाहते हैं, सिस्टम इमोजी, इमोजी जो वेरिएंट है, मुझे फेसबुक वेरिएंट बहुत पसंद है इसलिए मैं इस फेसबुक के वेरिएंट को डाउनलोड कर रहा हूँ। अब मेरे जितने इमोजीज होंगे वो फेसबुक की तरह हो जाएंगे। मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल है। अगर आप चैट के फॉन्ट स्टाइल्स को चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है लॉन्चर आइकन वगैरह सेट कर सकते हैं। जोन सा भी आप आइकन चाहते हैं वो, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपके व्हाट्सएप का आइकन वैसा ही हो जाएगा। ओरिजिनल व्हाट्सएप का आइकन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो वो भी आप चाहें तो सेट कर सकते हैं जिस तरह का भी आप चाहें। उसके बाद लॉन्चर नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन का आइकन जिस तरह आप चाहते हैं वैसे हो जाएगा। तो इतने ज़्यादा फीचर इसके अंदर अवेलेबल है। बैकअप एंड रिस्टोर जो है वो आपके बैकअप जो है वो आपकी स्टोरेज पे ही होगा। ऑप्शन है ये सेंड इमेजेस इन फुल रेजोल्यूशन, कि अगर आपने इमेजेस फुल रेजोल्यूशन में सेंड करनी है तो आप वो हाईएस्ट कर सकते हैं कि 3 MB तक आपकी फाइल जा सकती है, तो ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। फिर डिसेबल इमेज शेयर लिमिट, सेंड मोर देन 10 इमेज फाइल एट वंस। तो ये बहुत कमाल का फीचर्स है कि आप एक वक्त पे 10 से ज़्यादा फ़ोटो जो हैं सेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे सेटिंग में थे, होम स्क्रीन में अगर आप हेडर जैसा चाहते हैं, जैसे कि आप यूज़र इंटरफेस कैसा चाहते हैं ये आपको मिल जाता है। तो मैं ज़रा हट के यूज़ करता हूँ मोबाइल में, तो मैं मोबाइल में iOS का भी नहीं यूज़ करता, ये स्टाइल में यूज़ करता हूँ मोबाइल। कि कोई भी आपकी व्हाट्सएप देखे हो कि भाई यार है की है हमें वही व्हाट्सएप होगा, यो ब्रो व्हाट्सएप ब्रो, तो यह जोन सा भी आप स्टाइल रखना चाहें। मैं बबल स्टाइल रखना चाह रहा हूँ तो मैं बबल स्टाइल। फिर स्टोरी स्टाइल, अगर आपने स्टोरी स्टाइल्स रखना है, अगर आपने स्टोरी अनेबल की हुई है तो फिर आप स्टोरी स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि इस तरह आप चाहते हैं। बट मुझे ये फीचर्स नहीं पसंद, ये जो है ना बड़ा रश कर देता है व्हाट्सएप में। तो सेपरेट चैट ग्रुप, अगर आप ग्रुप को सेपरेट करना चाहते हैं, आपको ग्रुप जो है फाइंड नहीं करने पड़ेंगे तो आप सेपरेट कर सकते हैं, ये बड़ा अच्छा फीचर है। यहाँ पे व्हाट्सएप की जगह आप अपना नेम सेट कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा नेम आ गया है, ये बड़ा ही अच्छा फीचर है। डिसेबल स्टेटस अंडर माई नेम, ये भी हम कर देते हैं, स्टेटस डिसेबल हो गया, यानी कि ये यहाँ से स्टेटस डिसेबल हुआ है, वहाँ से नहीं हुआ, ठीक है। शो लाइट एंड नाइट मोड, ठीक है, गलती से कोई क्लिक ना कर दे, एयरप्लेन गलती से कोई क्लिक ना कर दे, ये भी हो गया। डिसेबल क्लिकिंग ऑन व्हाट्सएप, तो ये नहीं मैं ऑन करूँगा क्योंकि यहाँ पे क्लिक करके तो मुझे अपने जो है वो हिडन मैसेजेस की तरफ जाना है, ठीक है। तो बाकी ये कलरिंग वगैरह अगर आपने ये चेंज करनी है इसको नहीं मैं बताऊँगा, मैं सिर्फ खास खास फीचर्स प्लस व्हाट्सएप के डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद आप बबल एंड टिक्स जो हैं वो आप टिक स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि बार आए या फीट आए। अगर मैं फीट को करता हूँ, देखिए सीन ब्लू कलर का हो गया, इस तरह से होगा, ठीक है। उसी तरह अगर ये जोकर ट्रैफिक
अगर वो सीन नहीं होगा तो ये वाली लाइट जल रही होगी, और अगर मैसेज पहुंचने वाला होगा तो ये वाली लाइट जल रही होगी, अगर सीन हो गया हो तो ये वाली लाइट जल रही होगी। ये मुझे बड़ा कूल लगता है, तो ये भी बड़ा अच्छा फीचर है। 3D बबल हम कर देते हैं, ये भी बड़ा अच्छा फीचर है। या आप फिल्म टाइप ठीक है बबल्स अपने रखना चाह रहे हैं, जिस तरह भी मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शन हैं ठीक है। मैसेज टेक्स्ट साइज़ अगर आप बड़ा करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं, बाकी ये कलरिंग है ठीक है। उसके बाद एक बड़ा अच्छा फीचर था जो चला गया कन्वर्जेशन में, अब मैं वापस आता हूँ राइटिंग। वो कहता है रिमूव रीड मोड, अगर आपका बटन जो है ऑटोमेटिकली आपका मैसेज जो है वो पूरा ओपन हो जाएगा, अगर आप रीड मोड को, यानी कि आप रीड मोड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, अगर आपके मैसेज में रीड मोड का यानी कि लंबा मैसेज है तो ऑटोमेटिकली आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने ऑन कर दिया ताकि आप उसको देख सकें कितना लंबा है ये वो ठीक है। उसके बाद कन्वर्जेशन एंट्री स्टाइल आ जाता है, उसमें डिफरेंट ये कस्टम कलर्स हैं, आप सारे को कस्टम कर सकते हैं। वैसे ये एंट्री स्टाइल है कि आप किस तरह एंट्री स्टाइल करना है, मैं इसको यही स्टाइल रखूँगा, ज़्यादा भगदड़ नहीं मचाऊँगा। तो मेन फीचर्स को डिस्कस कर रहा हूँ। कस्टम वॉलपेपर पर कॉन्टैक्ट, हर कॉन्टैक्ट पे आप कस्टम वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। तो ये भी आप अगर इसे ऑन कर देंगे तो हर कॉन्टैक्ट पे आप जो है प्रोफाइल पिक्चर उसका वॉलपेपर बन जाए, ये भी एक बड़ा अच्छा फीचर है। तो आप ये कर सकते हैं ठीक है। तो अगर इसको मैं ऑन कर देता हूँ प्रोफाइल पिक वॉलपेपर, तो ये ऑन हो जाएगी सेट प्रोफाइल पिक एज इफ इज दिस, तो नहीं तो मैं कस्टम वॉलपेपर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकता हूँ ठीक है। तो अब जो है हर व्हाट्सएप पे मैं कस्टम वॉलपेपर लगा सकता हूँ। तो ये थी हमारी प्लस व्हाट्सएप, और याद रहे कि इसको आप बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखें स्टेटस सेंड, मेरा मैसेज सेंड हो चुका है, और इन साइन है जब सीन होगा तो ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये थी शॉर्ट वीडियो प्लस व्हाट्सएप के ऊपर। मज़ीद प्लस व्हाट्सएप के ऊपर आपको कोई परेशानी नज़र आ रही हो तो वो मुझे बताइएगा। एक सरसरी सी एक व्हाट्सएप का फीचर आपको बताता चलूँ कि अगर आप व्हाट्सएप पे यहाँ पे क्लिक करके और व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से अगर आपके पास कैमरा कनेक्ट है तो आप जो हैं अपने मोबाइल कैमरा से QR कोड को स्कैन करेंगे ठीक है। यहाँ से कैमरा अलाउ कर दिया, कैमरा नहीं है इसलिए उसने कहा कि कैमरा नहीं है। तो जैसे ही अगर आप प्लस व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इतने हिस्से में जो है आपका कैमरा यूज़ हो रहा होगा। आप क्या करेंगे, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में जाएंगे और वहाँ पे आप लिखेंगे व्हाट्सएप वेब ठीक है। जब आप व्हाट्सएप वेब को ओपन करेंगे तो आपके पास वही एक कोड आ जाएगा, QR कोड, यहाँ पे स्कैनिंग का QR कोड स्कैनिंग का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप यहाँ पे अपना कोड स्कैन करेंगे तो आपकी ये वाली जो व्हाट्सएप है इसकी सारी चैट जो है वो क्लोन हो जाएगी, और आपके कंप्यूटर पे यहाँ पे आपकी चैट आना शुरू हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी अटैचमेंट से एकदम से जो है आप व्हाट्सएप के ज़रिए से सेंड करेंगे, या कि आपको व्हाट्सएप पर आई है तो आप डायरेक्टली आप अपनी व्हाट्सएप से अटैचमेंट जो है वो उठा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। किसी भी कॉन्टैक्ट को अपना सॉन्ग अपडेट अपलोड करना है, सेंड करना है, फाइल सेंड करनी है, तो बड़े इजीली आप सेंड कर सकते हैं। साथ ही उसके पास जैसे ही आपकी ये ID लग जाएगी तो 3 डॉट आपको यहाँ पे कॉर्नर पे नज़र आएंगे, आप उस पर क्लिक करके लॉग आउट पे क्लिक कर सकते हैं। इस चीज़ की प्रैक्टिकल वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊंगा और आप चैनल पे लगा दूंगा, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और याद रखें लॉग आउट करेंगे तो आपके डाटे को कुछ नहीं होने वाला, आपकी व्हाट्सएप कोई नहीं पढ़ सकता। लॉग आउट नहीं करेंगे तो कोई भी कंप्यूटर जो यूज़ कर रहा है उसको ऑन कर लेगा तो वो उसको पढ़ सकता है ठीक है। तो मैं जो है व्हाट्सएप ब्लू स्टैक पे दोनों ही व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप कैसे ही दो ब्लू स्टैक्स यूज़ कर सकते हैं, और ये कौन सा ब्लू स्टैक है, और ये ब्लू स्टैक कैसे इंस्टॉल करते हैं, और इसकी स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और आप जान सकते हैं अगर आपको इसका वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए तो। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी काविश को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जी। व्हाट्सएप प्लस अगर आपके पास नहीं है
तो इसको डाउनलोड करने के लिए ये वेबसाइट पे आए androidwaves.com। अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो बहुत सी व्हाट्सएप जो है उसके लिंक आ जाएंगे। जैसा मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट्सएप प्लस व्हाट्सएप तो ये देखिए व्हाट्सएप प्लस जो है कई सारी व्हाट्सएप आ जाएंगी। पर ये gbapps.net ये वेबसाइट है पर ये सब इन्हीं इनसे आपने बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि आपने ये वेबसाइट पे तलाश करनी है androidwaves.com। androidwaves.com पे आपने क्लिक करना है, आपके पास ये वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो आपने डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल इसी जिस तरह कंप्यूटर में आ रही है इसी तरह आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी आप उस फाइल को इंस्टॉल करें। हाँ, ये याद रखें कि आपके पास पुरानी व्हाट्सएप इंस्टॉल ना हो, पुरानी व्हाट्सएप आपके पास नहीं होनी चाहिए, फिर ही ये इंस्टॉल हो जाएगी, अदरवाइज़ ये इंस्टॉल नहीं होगी। ठीक, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पे हिट कर दें ताकि आपको मोर रिसेंट अपडेट्स और मोर रिसेंट वीडियोज़ जो हैं वो मिलती जाएँ। तो शब्बा खैर, बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।